कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटर कौन कौन से क्वाड्रिलेटर होंगे और मेनली जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए, एक बार उनके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने स्क्वायर, रॉम्बस, रेक्टेंगल और पैरेलोग्राम, इन सभी को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल अ क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड्स, हिंदी में चतुर्भुज। एक लास्ट में हम लोग ट्रेपेजियम और कंसीडर करेंगे, उसको बाद में अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो फाइव क्वाड्रिलेटरल आपके सामने है, इनको बारी बारी से हम लोग जानते हैं, बस बेसिक्स हैं। और बेसिक टर्म्स को अगर आप नहीं जान पाते हैं तो उस टॉपिक का मतलब ख़त्म हो जाता है। तो स्क्वायर को हम लोग हिंदी में भी बोल दें, स्क्वायर को वर्ग बोलेंगे, रोम्बस को सम चतुर्भुज, रेक्टेंगल को आयत और पैरेलोग्राम को समांतर चतुर्भुज। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्क्वायर और रोम्बस में क्या कॉमन है। स्क्वायर और रोम्बस में देखें क्या कॉमन है, सारी साइड्स को इक्वल किया गया है। तो स्क्वायर और रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स मतलब भुजाएं, ए बी बी सी सी डी ए डी, ए बी बी सी सी डी ए डी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। डायगोनल, तो डायगोनल की बात की जाए तो स्क्वायर में ए सी और बी डी इक्वल होंगे और रोम्बस में डायगोनल नीड नॉट बी इक्वल या इक्वल नहीं मान के चलना है। सिमिलरली यहाँ पर रेक्टेंगल और पैरेलोग्राम में देखें, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर के लिए कंडीशन होल्ड करेगी और रोम्बस के लिए कंडीशन होल्ड करेगी। स्क्वायर में इस कंडीशन और इस कंडीशन दोनों को हमें मिला के दिस प्लस दिस और इसके साथ ये कंडीशन और प्लस ऐड करेंगे, समझ रहे कि नहीं, मतलब दिस एंड दिस, ये कंडीशन अगर होगी तो रोम्बस बोल देंगे और ये कंडीशन होगी तो क्या बोल देंगे, स्क्वायर, ओके। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में देखिए ये कंडीशन और उसके साथ साथ ये कंडीशन, मतलब दोनों कंडीशन होल्ड करेंगी तब जाके दिस एंड दिस, कहने का मतलब साइड्स जो हैं तो ए बी बी सी डी, तो ए बी और सी डी और यहाँ पे ए डी और बी सी अगर देखें तो दीज आर द अपोजिट साइड्स, कैसी हैं, अपोजिट्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए और डायगोनल, डायगोनल भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल हुई, डायगोनल इक्वल हुए तो उसको बोलेंगे रेक्टेंगल, और यहाँ पर साइड्स तो इक्वल हूँ, डायगोनल इक्वल नहीं हूँ, डायगोनल इक्वल नहीं हूँ, ए सी और बी डी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो पैरेलोग्राम की कंडीशन समझ गए, साइड्स और डायगोनल के लिए ये है, रेक्टेंगल के लिए डायगोनल और साइड्स, डायगोनल ये है और साइड्स के लिए, स्क्वायर के लिए साइड्स और डायगोनल ये, आई थिंक मुझे लगता है क्लियर हो गया ये चीज़, ठीक है। ट्रेपेजियम हिंदी में बोलते हैं सब लंब चतुर्भुज, तो यहाँ पे डेफिनेशन है कि आ क्वाड्रिलेटर इन विच एनी टू साइड्स आर पैरेलल, तो टू साइड्स आर पैरेलल, तो लाइक दिस टू साइड्स आर पैरेलल, दिस आल्सो द ट्रेपेजियम, ए बी सी डी तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेपेजियम इन विच, यहाँ पे हमने इस साइड को पैरेलल दिखाया है, इस साइड को पैरेलल दिखाया है, इस साइड को पैरेलल दिखाया है। तो बेसिकली जब भी हम बुक्स को देखते हैं तो इस वाले ट्रेपेजियम को जनरली वहाँ पे फिगर आउट किया जाता है, बट हमने बोला कि ये भी क्या है, ट्रेपेजियम है, दो साइड्स पैरेलल हैं, दो साइड्स
पैलन होने से क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया. ओके, तो वो सारे जो पहले हम लोग पढ़े थे वो भी ट्रेपेजियम की कैटेगरी में आते हैं. स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैलोग्राम इस ऑल आर ट्रेपेजियम की कैटेगरी में आ रहे हैं. पैलोग्राम रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, इन सबको हम पैलोग्राम बोल सकते हैं. स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, स्क्वायर रोम्बस की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है. रेक्टेंगल को हम लोग पैलोग्राम बोल सकते हैं. अगर हमने बोला कि रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, तो वो रोम्बस हमें कंसिडर करना है जो स्क्वायर नहीं है. रोम्बस तो रोम्बस में हम स्क्वायर भी कंसिडर कर सकते हैं. पैलोग्राम तो पैलोग्राम में स्क्वायर, रेक्टेंगल कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, तो जब भी पैलोग्राम की बात आएगी, बात ये बार बार हम बात इसको इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि ज़्यादातर जनरली वो बोलते हैं कि पैलोग्राम है, ए बी सी डी इज़ ए पैलोग्राम. तो जब भी ए बी सी डी इज़ ए पैलोग्राम अगर बात कंसिडर करता है तो आप स्क्वायर भी कंसिडर कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, पैलोग्राम भी कंसिडर कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी कंसिडर कर सकते हैं. यू आर फ्री टू कंसिडर स्क्वायर, पैलोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस इफ अगर वो पैलोग्राम मेंशन करता है. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं. क्वाड्रेटर पे वेज क्वेश्चन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं और शॉर्टकट भी देखेंगे. अगर अभी यहाँ पर हैं तो आगे हम लोग तीन वर्टाइसिस लेंगे और चौथी वर्टाइसिस निकालनी होगी, तो रूटीन मेथड देखेंगे और एक हम लोग शॉर्टकट देखेंगे, बहुत ही ईजिली उसको फाइंड करते हैं. तो आगे अभी यहाँ तक पहुँचे तो आगे तक आप बने रहें. ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन कंसिडर किया है आपके सामने बोर्ड पे, आप उसको पढ़ें और जब ये आप लगाते हैं और मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करूँगा, तो जब आप खुद ट्राई करेंगे और हम अगर लगाते हैं तो देखेंगे अंतर क्या है, उसी बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, रेक्टेंगल की सारी कंडीशन मैं बताई थी आपको, वो सारी अभी रिमाइंड होगी, बट कैसे लगाएंगे इसको देखते हैं. ठीक, अंतर क्या है, हमने यहाँ पे ए बी सी डी ए डी बी सी इसलिए रखा है कि यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे कि ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ, ये आपस में बराबर हैं और डायगोनल आपस में बराबर है. अगर ऐसा कर सकते हैं, कर दिया तो रेक्टेंगल होगा. अब देखिए, जब हम ए बी की बात करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला में, जब भी आप डिस्टेंस फार्मूला जैसे रिमाइंड करा दें, अगर ए एक्स वन कहाँ वाई वन है और बी एक्स टू कहाँ वाई टू है, तो डिस्टेंस फार्मूला आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको याद कराया जाता है, कल हमने डिस्कस भी किया था कि एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर. मैंने हमने एडवाइस किया था कि आप फार्मूले पे कंसर्न ना रहें. जब भी आपको प्लस प्लस या माइनस माइनस दिखेगा तो डिफरेंस करेंगे, और प्लस माइनस या माइनस प्लस दिखेगा तो ऐड करेंगे. सेम साइन के लिए अंतर लेंगे और अपोजिट साइन के लिए ऐड करेंगे. इसलिए हम दोबारा रिमाइंड करा रहे हैं कि जिसने अगर नहीं देखा है तो ये बात को ध्यान दें. अब देखिए, तो यहाँ पर तो सिक्स और ज़ीरो का अंतर, सिक्स का स्क्वायर आया और जैसे देखा अपोजिट साइन है ऐड कर देंगे, एट का स्क्वायर है. अब आप इसको क्या बोलेंगे, 36, और इसको क्या बोलेंगे, 64, 100 का रूट 10. ठीक, अब सी डी के लिए देखें, तो जैसे सी डी के लिए जाएंगे, कैसा देखा अपोजिट 10 का स्क्वायर, और जैसे देखा डिफरेंस 0 का स्क्वायर. देखिए, अब एक बात ध्यान दें, आपने यहाँ पे सॉल्व किया तो लास्ट तक गए थे, सॉल्व किया था कहाँ गए, लास्ट तक, आपको यहाँ तक नहीं जाना है. एक और बात, नहीं जाना है. अब आप देखिए, यहीं तक इसको रोक दिया और इसको भी यहीं रोक दिया, एक बार में आपको दिख गया कि दोनों क्या हैं, बराबर हैं. बोलिए, तो इस बार यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, नहीं, कुछ भी फ़ायदा नहीं उससे. ठीक, आगे जैसे देखते हैं, ए डी निकालते हैं, तो ए डी को आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर 8 का स्क्वायर आया, अपोजिट साइन है तो 4 का स्क्वायर. अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब बी सी को ऑब्जर्व करेंगे, देखिए अपोजिट है तो 8 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, और क्या करें, डिफरेंस 4 का स्क्वायर. देखिए, आगे बढ़ने की ज़रूरत थी, ऑटोमेटिक आगे बराबर, अननेसेसरी कैलकुलेशन पहले नहीं करेंगे. आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर जाते, बाद में आप करते हैं तो कुछ भी फ़ायदा नहीं था. ठीक, तो इससे टाइम बचा कि नहीं, और अपोजिट साइन और सेम साइन से टाइम बचा कि नहीं बचा. हाँ, ए सी को देखते हैं, ऑब्जर्व करिए, 2 का स्क्वायर अभी ऐसे रहने देंगे और 4 का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करिए बी डी के लिए, देखिए सेम साइन डिफरेंस, सेम साइन डिफरेंस, कुछ करने की जरूरत है नहीं. डायगोनल बराबर हुए, आमने सामने की भुजाएं बराबर हुई, रेक्टेंगल प्रूफ किया. दो बातों को हमने ध्यान दिया था,
प्लस प्लस माइनस माइनस डिफरेंस लेंगे, प्लस माइनस और माइनस प्लस से ऐड कर देंगे। पूरे कैलकुलेशन को हम आगे तक नहीं बढ़ाएंगे, वहीं रोक देंगे, वहीं से ऑब्जर्व हो जाएगा कि डिस्टेंस बराबर है या नहीं। ठीक है, इतना ही ऑब्जर्व करना है। तो आप इस क्वेश्चन को जो आपको दो मिनट तक भी लग सकते हैं, आप 10 सेकेंड में ऐसे निकाल सकते हैं। अभी तक हमने ट्रिक नहीं बताई, ये प्राइमरी लेवल पर शॉर्टकट था जो आपको, ये शॉर्टकट नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये चीज़ ऑप्ट कर लेनी है जो मैं बता रहा हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला जब भी लगाएंगे तो पूरा सॉल्व नहीं करेंगे और उसके साइन को ऑब्जर्व करेंगे पॉइंट्स को। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, बात ध्यान रखेंगे लास्ट तक, बहुत आपको इससे फ़ायदा होगा। ठीक, एक क्वेश्चन को हमने बोर्ड पर लिया है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यहाँ पर एक पैरोग्राम ए बी सी डी लिया गया है, पैरोग्राम में 3 वर्टाइसिस ए बी सी के पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट, वर्टाइसिस के पॉइंट्स, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखें, इनिशियल पे हैं, बिगिनिंग लेवल पे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकालना है, तो आज देखते हैं कि कितने सहज तरीके से निकालेंगे। जब आप बेसिक रूटीन मेथड में लगाएंगे तो आप पैरोग्राम की कंडीशन लगाएंगे, आप जब लगाएंगे रूटीन मेथड से, रूटीन मेथड क्या कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरोग्राम यूज़ करिए, ए बी सी डी के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर है। तो डिस्टेंस फार्मूले से आप इसकी डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस के बराबर, इसके इससे, तो एक्स और वाई निकालेंगे, दो इक्वेशन बनेंगी, निकालना टाइम टेकिंग हो जाएगा। शॉर्टकट क्या कहता है ध्यान दे, बस अप्लाई कैसे करेंगे तो एक बार मुश्किल से हम बताएंगे, एक बार बता पाएंगे, अप्लाई आपको करना है। डी बराबर ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी बराबर डी। अब देखिए पॉइंट एक्स कामा वाई निकालना है, दैट इज वर्टाइसिस ऑफ डी है, तो एक्स के लिए फॉर वैल्यू ऑफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जा रहे हैं, तो जब एक्स के लिए जाएंगे तब भी ए माइनस बी प्लस सी करेंगे, मगर ए के एक्स कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई बी सी का एक्स कोऑर्डिनेट उठाएंगे। ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0, फिर माइनस, अब बी का एक्स कोऑर्डिनेट उठाएंगे 6, प्लस सी का एक्स कोऑर्डिनेट -2 है। ठीक है, तो कितना आ गया -8, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अपडेट करके यहाँ पे हो गया -8 कामा वाई। ओके, अब फॉर वैल्यू ऑफ वाई, बात यहाँ पे क्लियर हुई, जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिया है a माइनस बी प्लस सी बराबर डी लेंगे, बट ये बारी बारी से x के लिए अप्लाई करेंगे और y के लिए। जब x के लिए अप्लाई करेंगे तो x कोऑर्डिनेट, a मतलब यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट है और b मतलब बी का एक्स कोऑर्डिनेट और सी का मतलब है सी जो पॉइंट है, जो सी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे इस फॉर्मूले रख देंगे और एक्स निकाल लेंगे। वैल्यू ऑफ वाई, तो वैल्यू ऑफ वाई में जब वाई का कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं तो ए का वाई कोऑर्डिनेट, ध्यान दें ए का वाई कोऑर्डिनेट -1, यहाँ पर भी ए माइनस बी प्लस सी लगाने जा रहे हैं, तो ए तो -1 और फिर बी का वाई कोऑर्डिनेट 7, तो इसको माइनस करेंगे और सी का क्या आएगा 7, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो कितना आया, तो डी के जो एक्स का वाई की जगह अपडेशन के में क्या आया, एक्स क्या निकाला था -8 और वाई क्या निकला -1। आप पीछे वाले क्वेश्चंस के मिलान करें, पीछे वाले क्वेश्चंस के ही हमने वर्टाइसेस लिए थे, तो 3 वर्टाइसेस ये लिए थे, चौथा वर्टाइसिस -8 का -1 आया कि नहीं आया। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो पिछले वाले वर्टाइसिस थे थोड़ा सा अपडेट हो गया है, तो आंसर भी अपडेट हो गया। हम पीछे वाले क्वेश्चंस को मिलान करते हैं, पिछले वाले क्वेश्चंस जो इनिशियल में हमने रेक्टेंगल प्रूव कराया था उसके 3 वर्टाइसिस उठाएंगे और चौथे वर्टाइसिस से मिलान करेंगे। एक बात हम आपको रिमाइंड करा दें, शायद ये बार बार बात आप पूछ ना पाएँ, पैरोग्राम जहाँ पर भी कंसिडर करेंगे, पैरोग्राम का मतलब है रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, जहाँ पर भी ये बातें आएंगी आप पैरोग्राम में वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो पैरोग्राम का फार्मूला दिया गया है तो ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस में भी अप्लाई कर सकते हैं। करने क्या जा रहे हैं हम, जो सबसे पहले क्वेश्चन लिया था जिसमें रेक्टेंगल प्रूव किया था
उसकी तीन वर्टाइसेस को लेंगे और तीन वर्टाइसेस की हेल्प से चौथी वर्टाइसेस से मिलान करेंगे, वो मैच खाती है। तो ये ट्रिक काम कर रही है, ठीक है। तो पीछे वाले क्वेश्चन से हम लोग मिलान करते हैं, तीन वर्टाइसेस यहाँ पे कंसीडर की, चौथी वर्टाइसेस को मैच कराएंगे। तीन वर्टाइसेस आपके सामने हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ट्रिक बताई गई थी, वो ट्रिक क्या है, डी बराबर ए माइनस बी प्लस सी। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ए माइनस 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 क्या हो गया प्लस और ज़ीरो तो कितना आ गया एट। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y बराबर a माइनस, तो y कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे, 7 माइनस थ्री और माइनस वन, तो 7 माइनस फोर दैट इज 3। तो वर्टाइसेस चौथा आया 8,3। अब मैच करा सकते हैं, तीन वर्टाइसेस ली गई थी, चौथी वर्टाइसेस मिलान खा रही है। आप इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से चौथी वर्टाइसेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सारे बच्चों लास्ट में एक बात कहना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेट एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है और आप स्केयर रहते हैं, बट मेरी पूरी कोशिश है कि आप को बहुत ही इत्मीनान से कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे। पढ़ने का तरीका इस तरीके से आप लें कि मावला क्लासेस के दो लेक्चर या दो टॉपिक के लेक्चर हम लोग अपलोड कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप एक अलग तरीके से पढ़ते रहें और बाकी टॉपिक एक अलग तरीके से, उसको हौच पौच नहीं करें। और ये टॉपिक ग्रेजुअली एक या दो दिन या वन वीक में कंप्लीट होने वाला नहीं है, इसको आप कम से कम वन मंथ से ऊपर लेके जाएंगे। और हम लोग भी कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं है, इस टॉपिक को पहले ही शुरुआत से अभी तक ले जाएंगे और लगभग दीपावली तक इसको ले जाएंगे। तो आप इसको पढ़ें, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, तो टाइम लगेगा, उसके बाद हम लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो जो पेशेंसली इसको काम करेंगे उसको हम लोग आगे तक बढ़ाएंगे। आज का टॉपिक कैसा रहा आप उसको ज़रूर बताएँ। क्वेश्चंस आपकी डिमांड पे आपने रखे तो बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइव क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पर हैं, एक बार आप नोट कर लें जिससे कि आप और इसको सॉल्व करें, कोई भी डाउट हो। सारे क्वेश्चंस एक बार आपको दिख गए होंगे, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, आगे ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इतना से आगे बढ़ाएंगे। बाकी एक टॉपिक पहले ही मैंने बोला आगे चलता रहेगा, आप उसको वॉच करते रहें, वो गतिमान आगे बढ़ेगा, ये चीज़ धीमे धीमे आगे बढ़ती रहेगी। इसके साथ साथ कैलकुलस भी लगाएंगे और जो भी फीडबैक है बेहिचक आप यहाँ रखें, बढ़ाई ज़रूरी है, बढ़ाई करें और मेरे बारे में बोलें, मेरी आदत नहीं है, आप जान जाएंगे। थैंक यू।